আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, सात संदूकों में भर कर दफन कर दो सारी नफरतें, सात संदूकों में भर कर दफन कर दो सारी नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। मोहतराम सदर आलिय मुर्तबत, असातिज़ा इकराम और मेहमानान आज़ाम और मेरे सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, आज मैंने आप लोगों के सामने यौम जुम्हुरिया के मौका पर जिस मौजू पर चंद मिनट लबगुशाई करने की जिसारत की है वह इस्लाम अमन का दाइम। सामईन इकराम, अमन अमान इंसान की फितरी बुनियादी और अव्वलीन ज़रूरियात में से है, उसी के बगैर सुकून और सलामती और शांति महल है। हुसूल अमन के बगैर कोई भी फर्द मुआशरा और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। अमन अमान के साए तले जिंदगी खुशगवार होती है, उसी के बदौलत नींद आती है, सुकून और इत्मीनान मुयसर होता है, तो आम और शराब की लज्जत का एहसास होता है। अमन अमान ये दोनों चीज़ें हर तरक्याती जद्दोजहद के सुतून है और मुआशरे के मंजिल मकसूद है। अमन सलामती का हुसूल हर कौम ममलकत और मजहब की और आरजू तमन्ना होती है, हर अकलमंद उस बात से मुत्तफिक है और कोई भी उसका मुखालिफत नहीं कर सकता। कुरान मजीद में नियामत अमन को बतौर एहसान भी जतलाया है, फरमाया अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना वयतखत्तफुन नास मिन हौलिहिम, क्या वो नहीं देखते कि हमने मक्का को पूरा अमन बना दिया है जबकि उसके इर्द गिर्द के लोग उचक लिए जाते हैं। इसलिए अमन अमान बहुत बड़ी नियामत है और उसका जवाल बहुत बड़ी महरूमी है। उसी में हमारे ज़हनी सुकून और हालात की दुरुस्तगी पिनहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन असबह मिनकुम आमिनन फी सिर्बिहि मुआफन फी जसदि इंदहु कूतु यौमिहि फकअन्नमा हैज़त लहु दुनिया, यानी जो शख्स सुबह के वक्त जिस्मानी तौर पर सही सलामत उठे उसे अपने घर में किसी का खौफ भी ना हो और उसके पास उस दिन का खुराक मौजूद हो तो गोया उसके लिए दुनिया जमा कर दी गई है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल अमनु अहना ऐशिन वल अदलु अक्वा जैशिन, अमन पुरसुकून जिंदगी में है और ताकतवर फौज अदल है। मिल्लत इस्लामिया के गैर मुसलमानों, अगर आप तारीख पर एक तायना नजर डालें तो पता चलेगा कि इस्लाम से कबल दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी, हर तरफ जुल्म जौर का दाव दौरा था, अमन अमान की कोई चीज मौजूद ना थी। कभी रंग और नस्ल के नाम पर, कभी जुबान और तहजीब के उनवान से, और कभी वतनियत और कौमियत के आड़ में इंसानियत को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया था और उन टुकड़ों को बाहम इस तरह टकराया गया था कि पूरी इंसानियत चीख पड़ी थी, पूरी दुनिया बदमनी और बेचैनी से पुर थी। वो पसमानदा इलाका हो या तरक्की याफ्ता और महजब दुनिया रूम हो या ईरान और हिंदुस्तान, अजम का लाल हजार हो अरब के सेरा, सारी दुनिया इस आग की लपेट में थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने पहली बार दुनिया को अमन मोहब्बत का बाकायदा दर्श दिया और उसके सामने एक पायदार जब्त अखलाक पेश किया जिसका नाम इस्लाम रखा गया, यानी दायमी अमन सुकून और लाजवाब सलामती का मजहब। यह इम्तियाज दुनिया के किसी मजहब को हासिल नहीं, अल्लाह के प्यार ये इम्तियाज दुनिया के किसी मजहब को हासिल नहीं। इस्लाम ने मजबूत बुनियादों पर अमन अमान के एक नए बाप का आगाज किया और पूरी इल्मी अखलाकी और कुव्वत और फिक्री बुलंदी के साथ उसको वसअत देने की कोशिश की। उम्मत मुहम्मदिया के पास मानो जिस मुआशरा का शीरा सामने बिखरता है उसकी पहली जद इंसानी जान पर पड़ती है। इस्लाम से कबल इंसानी जान की कोई कीमत ना थी, मगर इस्लाम ने इंसानी जान को अजमत और एहतराम बख्शा कि एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देकर डंके की चोट ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ض फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। इंसानी जान का ऐसा आलमगीर और वसे तसव्वुर इस्लाम से कबल किसी मजहब व तहरीक ने पेश नहीं किया था। इस्लाम कत्ल खूनरेज़ी के अलावा वह दहशत गर्दियाँ झूठी अफवाहों की गर्म बाजारी को भी सख्त नापसंद करता है, वह उसको एक जारहाना और वहशियाना अमल करार देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुफसिदु फिल अर्ज़ बादा इस्लाहिया, इस्लाह के बाद जमीन में फसाद बर्पा मत करो। नीज फरमाया इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता है।
मोहतराम सामेईन, अहदीस करीमा में भी जमीन में अमन अमान बरकरार रखने के सिलसिले में मुतअद्दिद हिदायत मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब ईमान की अलामत ये करार दी है कि उससे किसी इंसान को बिला वजह तकलीफ ना पहुंचे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहुन नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। और एक मौका पर फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। क़ीला वमन या रसूल अल्लाह, क़ाला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवायिक़हु। मोहतराम सामेईन, इस्लाम ने अदल इंसाफ और अमन अमान का एक अलग ही निज़ाम कायम किया, वो निज़ाम के जिसके तहत दुनिया आज तक सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। फतेह मक्का के वक्त अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक एक जुल्म का बदला ले सकते थे, एक एक ज्यादती का जवाब दिया जा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का तारीख को हैरत में डाल दिया। उस वक्त वो जालिम बंदा भी मौजूद था जो हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखते अंगारों पर लेटाया करता था, और उस वक्त वो जालिम बंदा भी मौजूद था जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को ऊंट से गिरा कर शहीद किया था। तमाम लोग माफी के तलबगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम इज़हबु अंतुम मुत्तलका, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। इसलिए अकलमंद इंसानों, अमन की राह में रोड़े ना डालो और अपनी तमाम तर कोशिशें क़याम अमन के लिए लगा दो, उसी में हमारे घर का सुकून मुज़मिन है और मुल्क व मिल्लत की शिराज़ा बनने की सलामती और यही मज़हबी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह आलमीन, तो हम सब मुसलमान भाइयों को अमन अमान की राह पर चलने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।